अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं हूं आपका होस्ट अमर नजीब और केपीएल की तरफ से एक ज़बरदस्त लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जैसे कि हमने अनाउंस किया था, हमारे साथ मौजूद होंगे वाइस प्रेसिडेंट केपीएल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर टू प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट ओडीआई विकेट टेकर, पहले बॉलर थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 500 विकेट्स का जो संगे भी लबूर किया, हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट, स्विंग के सुल्तान हमारे साथ मौजूद द ग्रेटेस्ट वसीम अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम टू एवरीवन, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक हूं। होप एवरीबॉडी इज वेल बैक होम इन पाकिस्तान। आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले हम पूछेंगे कि कैसे दिन गुजर रहे हैं आप इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, यकीनन अच्छे वेदर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। या वेदर इज नाइस, क्रिकेट भी जबरदस्त हो रही है, इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, बड़ा एक्साइटिंग डे है, वो भी देख रहा हूं मैं थोड़ा बहुत। बट इन जनरल मेरे दोनों लड़के भी आए हुए हैं अमेरिका अपने कॉलेजेस से, छोटी बेटी भी है, ऑब्वियसली शनीरा इज हियर, सो जस्ट हैविंग गुड टाइम विद माय फैमिली, इट्स अ फैमिली टाइम। फैमिली टाइम। वसीम भाई, बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की, और कश्मीर एक ऐसा एक चीज है जिससे हर पाकिस्तानी का दिल जुड़ा रहता है। तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं केपीएल के, कैसी आपकी मेमोरीज हैं केपीएल सीजन 1 के साथ? जो मेमोरी स्ट्रेट वे केपीएल से आती है, एक तो मेरा जो मैं गया था मुजफ्फराबाद, यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन पाकिस्तान, लोग वहां के बड़े प्यारे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और क्रिकेट लवर्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और ग्राउंड वहां की बड़ी सीनिक है, यू नो बिटवीन द माउंटेन्स नेक्स्ट टू द रिवर एंड वैली के साथ है, और ये चीजें मेरी याद है, प्लस क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हुई थी। सो जब भी केपीएल हमने पिछले साल शुरू की, शहजाद और आरिफ दोनों थे साथ में, मेन इंपॉर्टेंट बंदे, उनकी पूरी टीम भी थी, तो प्लान ये था कि क्रिकेट इज द अल्टीमेट, अगर क्रिकेट अच्छी होगी तो लोग भी देखेंगे, और प्लस यू नो बड़ा सुनते थे कि कश्मीर के लोगों को स्पेशली पाकिस्तान साइड के चांस नहीं मिलता, सो केपीएल इज अ स्टेपिंग स्टोन। आपने देखा होगा कि इस पीएसएल में जो लाहौर से हमारा मर्जिंग प्लेयर खिला जमान, आई थिंक इसने बॉल्स परफॉर्म ब्यूटीफुली वेल, डिफरेंट बॉलर, राउंड आर्म एक्शन, और उसी तरह का बॉलर सलमान अरशद, आई थिंक उसका नाम है, सलमान खेला, सलमान अरशद, दोनों यू नो स्लिंगी टाइप एक्शन थे दोनों के, तो केपीएल ने उनको स्टेपिंग स्टोन दिया कि आगे पीएसएल में जाएं। सो जो भी सारे यंग लड़के हैं स्पेशली कश्मीर के उस एरिया के, आप नॉर्थ के, उनके लिए आई थिंक इससे बड़ा स्टेपिंग स्टोन नहीं हो सकता कि आप केपीएल में आए, परफॉर्मेंस करें और आपको पीएसएल की टीम पे पिक कर ले, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास खेलें और फिर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये केपीएल, यू सी बड़े लोग समझते हैं कि ये पीएसएल का मुकाबला है, मैं बारहा कह चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि केपीएल इज काइंड ऑफ अ नर्सरी जो पीएसएल को प्लेस देगी, उनसे मुकाबला नहीं है, हम इकट्ठे जाना चाहते हैं उनके साथ कि यहाँ से लड़के अच्छे, कोई बैट्समैन आए, कोई बॉलर आए, कोई स्पिनर आए, हूएवर इट मे बी, वो आगे जाके पीएसएल के ड्राफ्ट में आए, वहां पिक हो। वसीम भाई, इस बार चूंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्राउड भी हमें बहुत सा देखने को मिलेगा, तो क्राउड कितना फ्लेवर ऐड करेगा, स्पेशली जो कश्मीर के लोकल लोग अब स्टेडियम में आके सुपरस्टार्स को अपने सामने खेलता हुआ देखेंगे? या इट्स अ ह्यूज डील फॉर देम, और आई थिंक सारे क्रिकेटर्स ने बड़ा एंजॉय किया। देखिए फर्स्ट ईयर कोई भी टूर्नामेंट हो, थोड़े बहुत हिकअप्स होते हैं, मे बी केपीएल के ऑर्गेनाइज में हिकअप्स आए हो, पर इस साल वो हिकअप्स नहीं आएंगे। अब सो यू नो सारे आप लोग, हम लोग सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, केपीएल की गवर्नमेंट वहां, सॉरी यू नो वहां की गवर्नमेंट को आइडिया हो गया है किस तरीके से हमने प्लेयरों को देखना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी हमारे होटल के ओनर्स जो मुजफ्फराबाद के देख रहे हैं, उनको होटल्स को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि और लोग भी आए, ताकि सिर्फ कश्मीर के अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस टूर्नामेंट को देखें और एंजॉय करें। वसीम भाई, चूंकि कश्मीर का जब नाम जहन में आता है तो उसकी खूबसूरती भी जहन में आती है, तो जब प्लेयर्स आते हैं या लोग आते हैं तो वो साथ में कश्मीर की ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो कश्मीर के टूरिज्म को कितना फायदा हो सकता है, पूरी वर्ल्ड को कश्मीर का कितना जबरदस्त मैसेज जा सकता है इस केपीएल के थ्रू भी? लास्ट ईयर केपीएल से तो बड़ा जबरदस्त मैसेज गया है कि आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी साइड पे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू नो क्रिकेट इज हैपनिंग, ऑल द स्टार्स आर कमिंग टू मुजफ्फराबाद, और टूरिज्म को बहुत फायदा हो सकता है, मगर उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा,
इवन अपने पाकिस्तानी टूरिज्म के लिए, फॉरेनर्स की तो बात की बात है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाइस, होटल्स कंफर्टेबल, आई एम नॉट सेइंग फाइव स्टार, आई एम सेइंग कंफर्टेबल क्लीन होटल्स, फूड इज अमेजिंग देयर एज वेल, बट फूड में भी थोड़ी सी वैरायटी आनी पड़ेगी. अगर फॉरेन लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, मेरा मतलब है बाहर के लोगों को कितनी कढ़ाई खिला लेंगे, टिक्के खिला लेंगे, वी गॉट टू बी सम नाइस कॉफी शॉप्स ताकि वो आके कॉफी पी सके, सम सैंडविचेस शॉप, एंड आई थिंक यहाँ से it's only going to get high with the KPL and of course Kashmir as well. बहुत खूबसूरत जगह, मैं तो बड़ा enjoy किया था, मैंने वो दरिया के साथ walk भी की थी सुबह उठ के 2-3 दफा 6-7 बजे, और weather भी जबरदस्त था, और you know I really enjoyed it, one of the most beautiful cities I visited. वसीम भाई, इस बार एक एडिशन भी हो गया है, यानी 6 के बजाय अब 7 टीमें हैं इस एडिशन में, जम्मू चाबाज की टीम का एडिशन हुआ है, ये किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा केपीएल के सीजन 2 को, क्योंकि जम्मू का एक ऐसा इलाका है जिससे बड़ी कनेक्शन है कश्मीरियों का. जी बिल्कुल, आई थिंक 7वीं टीम से एक तो नए प्लेयर्सों को चांस भी मिलेगा, और लड़के आएंगे, और यही तो मौका है कश्मीर के लड़कों का, सब यंगस्टर्स का स्पेशली, कि आए और अपना अगर अम्ल दम है तो वो टीम में पिक हो. आपके लिए प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है पूरी केपीएल की टीम में, सो कम ऑन हैव यू नो परफॉर्म, एंड देन ऑब्वियसली हर यंगस्टर का होता है कि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करे, पीएसएल को रिप्रेजेंट करे, सो यहाँ से पीएसएल जा सकता है, फर्स्ट क्लास खेल सकता है, पाकिस्तान से खेल सकता है, सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी एक्साइटिंग. वसीम भाई, जब हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की, तो अमूमन लोग हमें वेरिएशंस का बहुत सुनने को मिलता है कि एक बॉलर के पास वेरिएशंस कर रहे हैं इस तरह से, न्यू बॉल का स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी एक फास्ट बॉलर के लिए इवन इन द T20 फॉर्मेट? T20 में वेरिएशन की जरूरत है, डेफिनेटली पड़ती भी है, बट आई सपोज T20 में जब तक अगर नए गेंद से वेरिएशन तो एक आधा बॉल ही होगी ना, बट दूसरा गेंद को स्लो बॉल नहीं कर सकते या बैक ऑफ द हैंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खिंची हुई लेंथ करनी पड़ेगी, वो आएगी लंबी क्रिकेट खेलने से. सो यंगस्टर्स के लिए यही है कि पहले बैक ऑफ द लेंथ सीखे, उसके बाद वेरिएशन सीखे, बचाएगा आपको बैक ऑफ द लेंथ या यॉर्कर बॉल बचाएगा T20 फॉर्मेट में. और आई थिंक कोशिश करेंगे कि हम भी लड़कों, मैं भी इस दफा आऊँ, जरा एक ज्यादा 2-4 दिन ज्यादा स्पेंड करूँ, ताकि यंगस्टर जो सारे हैं उनके साथ एक दो मीटिंग्स करूँ, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूँ. और यू नो जब मैं यंग था 16-17 साल का, तो मैं भी बड़े क्वेश्चन पूछता था हर बॉलर से, हर एक से. सो मेरी एडवाइस यही है सब यंगस्टर्स को, जब कोई ऐसा क्रिकेटर आता है आपके पास या आपकी टीम में इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं जैसे हफीज है, इस तरह के लोग, उनसे क्वेश्चन पूछते रहे कि क्रिकेट क्या है, यू नो बैटिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, इस तरह फील्डिंग क्या होती है, जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना ये इम्प्रूव होंगे. और आई सपोज इस दौर में शर्म भी नहीं हमारे यहाँ है कि थोड़ा लड़के शाय होते हैं, शाय तो लड़कियों को होना चाहिए, लड़कों को नहीं होना चाहिए, तो स्पेशली क्रिकेट में शाय जो होते हैं वो शायद से कहा कि अपने क्वेश्चन पूछ लाके अपनी गेम को इवॉल्व कर सकूं और इंप्रूव कर सकूं. वसीम भाई, एक एसेट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का हमेशा से रहा है कि वो यॉर्कर बहुत अच्छे करते थे स्पेशली डेथ में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर को कि वो यॉर्कर में किस तरह से परफेक्शन ला सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बॉल है हर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा लीथल रहता है. यार प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, हमने भी प्रैक्टिस करके सीखा है, नेचुरली कोई नहीं आया, ये नहीं कि 2 ओवर किए कि और किया और सीख गए, नहीं, नेट में 4-4 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस की है, यू नो स्टेक एक स्टंप को एम किया, ग्रेट वकार यूनस भी यही करता था, मैं भी यही करता था, शोएब अख्तर भी यही करता था, आसिफ भी यही करता, आमिर भी यही करता, आमिर अभी भी PPSL में यॉर्कर की प्रैक्टिस रेगुलर करता है बिफोर द गेम. सो ये प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर होंगे, घर बैठे बैठे या एक आधे ओवर से आपकी चीजें इंप्रूव भी होंगी. वसीम भाई, बात यॉर्कर से रिवर्स स्विंग पर आती है, तो हमने देखा कि अब आप लोग बहुत माशाल्लाह इस आर्ट को बिल्कुल एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस आर्ट को ले गए. आजकल के यंगस्टर हमें बहुत कम देखने को मिलता है, आर्ट उस तरह से देखने को मिलता नहीं, इवन अभी ऑस्ट्रेलिया आया तो उनके बॉलर शायद हमसे बेहतर रिवर्स कर गए, तो किस तरह से हमारे बॉलर जो है वो हमारे स्किल को मजीद बेहतर कर सकते हैं? आई सपोज हम भी यू नो गेंद को रिवर्स स्विंग बना के नेट में बॉलिंग करके ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, वाइड ऑफ द क्रीज, क्लोज द स्टंप, ये सारी चीजें हमने की है नेट्स में. और मुझे आई थिंक बड़ा फर्क पड़ा था काउंटी क्रिकेट खेलने से, 88 से मैंने 98 तक लैंकेशायर से 6-6 महीने खेलते थे, एवरी डे देयर वाज अ गेम, 3-day गेम, 1-day गेम, 55 ओवर गेम, 40 ओवर गेम, 60 ओवर गेम. तो ये क्रिकेट जितनी ज्यादा खेलेंगे उतनी आपको एक्सपीरियंस आएगा. और रिवर्स स्विंग ऑब्वियसली एक गेंद बना के अपने बैक में रखें, फास्ट बॉलर पहले नए गेंद से करें, फिर सेमी न्यू बॉल से करें, और फिर रिवर्स स्विंग से प्रैक्टिस करें. दैट्स हाउ यू शुड प्रैक्टिस नाउ.
इस साल पाकिस्तान को इंडिया से फिर खेलना है, एशिया कप में भी क्लैश है और फिर वर्ल्ड कप भी इस साल होना है, वहां पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के इस क्लैश को इस साल? इट्स डेफिनेटली एन एक्साइटिंग क्लैश। आप देखें, पिछले वर्ल्ड कप में हमने उनसे जीता था, बट अगेन अभी एशिया कप पहले आएगा, देखते हैं कैसी फॉर्म है। हमारी टीम बड़ी जबरदस्त जा रही है, हमारा कप्तान बड़ा जबरदस्त है, दुनिया का टॉप बैट्समैन है, और आई सपोज एवरीथिंग इज सेटल्ड इन पाकिस्तान क्रिकेट। और आई होप कि पाकिस्तान जीते, पर ये क्लोज गेम। इंडिया पाकिस्तान के जब भी मैच होता है प्रेशर की वजह से क्लोज मैच होता है। वसीम भाई, आपने अपने टेन्योर में उस वक्त बायलेटरल सीरीज भी हुई, 99 का बहुत आउटस्टैंडिंग एक टूर आप लोगों का रहा इंडिया का, और इंडिया बाद में भी इधर यहां पर आता रहा, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बायलेटरल सीरीज है पाकिस्तान इंडिया की, कभी हम वहां चले गए कभी वो यहां पर आ गए, तो ये बहाल होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह, स्पोर्ट्स अपनी जगह। अब स्पोर्ट्स तो होनी चाहिए। यू नो, लोग बात करते हैं ये फॉरेन वेस्टर्न के, जी एशेज एशेज एशेज। मैंने उस दिन कहा था, मेरा वो लॉर्ड्स में मेरी चैट थी, मैंने कहा आप लोग एशेज की बात करते हैं, इंग्लैंड में 75 मिलियन लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में 24 मिलियन लोग हैं जितने कराची में हैं। मैंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले 1.5 बिलियन पीपल जो ये मैच देखते हैं, और वो प्रेशर एक डिफरेंट होता है। आप घर से निकलो, उधर से वाइस वर्सा, दोनों मुल्कों में एज अ प्लेयर आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपका ड्राइवर, यू नो, सड़क पे लोग, आपके फैंस कि कल मैच हारना नहीं है, सो दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर। एंड नाउडेज न्यूज चैनल्स दोनों साइडों से उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, कुछ को टाकरा कहते हैं, कुछ को कुछ कहते हैं, एक्स प्लेयर बैठे होते हैं, so you know it's creates lot of pressure on players. Social media से ज़्यादा pressure आता है, क्योंकि हर लड़के के पास phone है, वो देखता तो होगा मैच से पहले। so हम क्या करते थे, हमारे ज़माने में था नहीं, so blessing in disguise थी, social media था नहीं, PTV होता था एक चैनल, वो देखते नहीं थे, अखबार कम पढ़ते थे, तो प्रेशर कम रहता था। वसीम भाई, इस साल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप, बहुत सारे जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं शायद वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे होंगे, तो किस तरह का डिफरेंट चैलेंज वहां पर हो सकता है हमारे फास्ट बॉलर्स को, और क्या आप समझते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर वहां जाके डोमिनेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, हमारे फास्ट बॉलर्स अभी वहां वहां वो असद हारिस राउत वगैरह BBL भी खेले हैं, बिग बैश लीग, उनको सब पता है, वहां खिंची हुई लेंथ बड़ी जरूरी है, और वो वहां की ग्राउंड सीधी छोटी होती है, कट और पुल पे जरा जो भी टीमें अच्छा बैट्समैन कट और पुल अच्छी मारेंगे वो टीमों का चांस होगा अच्छा करने का, और हमारा बैटिंग भी कवर है, हमारी फील्डिंग भी इम्प्रूव होगी हुई है, सो हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाएंगे वहां। राइट वसीम भाई, हम चाहेंगे कि KPL सीजन 2 का है जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन है उसका जो मैसेज है ओपनिंग का, वो आपके थ्रू उसका आगाज हो। जी बिल्कुल, KPL सीजन 2 की जो रजिस्ट्रेशन है इस इंटरव्यू के बाद बिल्कुल शुरू हो जाएगी, और मैं चाहूंगा कि आप सब यंगस्टर्स जो भी समझते हैं कि आप में दम है तो आप अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आपको मौका मिल सके, और इसका लिंक जो है वो सारे KPL के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकेगा। खेलो आजादी से। राइट, थैंक यू सो मच वसीम भाई आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया आपने KPL को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया गाइस, सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये थी से इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।